साथ यीशु शुक्ला शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। झारखंड में बीजेपी ने आखिरी चरण के लिए ताकत झोंक दी है। बड़ी खबर बता रहे हैं झारखंड से, साहिबगंज में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा है। सिद्धो कान्हू जन्मस्थल भोगनाडी में रैली को करेंगे पीएम मोदी संबोधित। 20 दिसंबर को कुल 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड से जहां पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने आखिरी चरण के लिए झोंक दी है ताकत। साहिबगंज में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा, सिद्धो कान्हू जन्मस्थल भोगनाडी में रैली को करेंगे संबोधित। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित दुबे हमसे जुड़ चुके हैं। अमित दुबे, 20 नवंबर को 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए खासतौर पर वैसे झारखंड में क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है और कई चरणों में चुनाव हो रहे हैं, अब जब चुनाव लगभग अंतिम चरण पे है तो प्रधानमंत्री खुद जो है एक एक करके जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। और जिस तरह से चाहे नागरिकता संशोधन हो या राम मंदिर का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, तमाम मुद्दे उठाए और लोगों को बताने की कोशिश की कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। तो जाहिर तौर पर आज की जो जनसभा है उसके जरिए बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को वहां पे साबित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो मुकाबला है उस मुकाबले को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त जरूर नहीं दिख रही है कि बीजेपी झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी, लेकिन जाहिर तौर पे जिस तरह से प्रधानमंत्री देश के सबसे लोकप्रिय नेता और खासतौर पर अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में उनकी कैटेगरी जिस तरह से बढ़ी है, तो इस यही एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री की कई रैलियां जो है वो एक एक करके वहां झारखंड में लगाई गई है कि प्रधानमंत्री सारे एक बार फिर बीजेपी अपनी सरकार वहां पे बना सके। जी अमित, जैसे कि आपने बताया लगता नहीं है कि झारखंड में बीजेपी बहुमत से सरकार बना पाएगी, तो क्या लगता है कि पीएम मोदी के जाने से वहां का कुछ समीकरण बदल सकता है? बड़ी चीज है कि अब जो है केंद्र सरकार को भी लोग मोदी सरकार के नाम से ही बुलाते हैं, तो चाहे तो फिर मोदी की इसी लोकप्रियता को, प्रधानमंत्री की इसी लोकप्रियता को बीजेपी हर हाल में बुलाने की कोशिश करेगी। और इसीलिए जो भी 5-6 विधानसभा है उनके हर दायरे में लगभग प्रधानमंत्री की एक रैली रखी गई है और जिसे प्रधानमंत्री आज भी संबोधित करेंगे। और चाहे तो फिर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बातों का असर पार्टी मानती है, इस बात की प्रधानमंत्री की बातों का असर लोगों पे होता है और यही वजह है कि झारखंड चुनाव क्योंकि बीजेपी की सरकार रही है और खासतौर पे बीजेपी के लिए बहुत अहम है और बीजेपी से लेके कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री इसी मिशन में लगे हुए हैं। जी अमित, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं जहां पर बीजेपी ने आखिरी चरण के चुनावों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे झारखंड में, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20 दिसंबर को कुल 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से। आपको बता दें कि साहिबगंज में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा है, इसको पीएम मोदी संबोधित करेंगे। सीए